पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में बैन करने की मांग बार बार उठती रहती है। वजह तमाम है। इस बार सूफियाना सिंगर राहत फतेह अली खान फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 2011 में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर राहत फतेह अली खान को बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा गया था। उन पर स्मगलिंग के आरोप लगे। इस मामले में उन पर मुकदमा भी दर्ज है और इसी मामले में अब फेमा के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है और 45 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले में ईडी पहले भी राहत से पूछताछ कर चुकी है। सूफियाना सिंगर ने कई दलीलें भी दी लेकिन अब उन्हें 45 दिन के भीतर लिखित रूप से जवाब मांगा गया है। अगर राहत के जवाब से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं हुई तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाएगा। साथ ही इंडिया में उनके कार्यक्रमों को भी बैन किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।